दक्षता इंस्टीट्यूट रे यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत करू छी। तो आज रे वीडियो रे हमें एक और सी थीवा 19 नंबर को समाधान करबा 19 नंबर और 20 नंबर ए तीनटा से समाधान करबा ए वीडियो रे। तो कोन छ 19 नंबर प्रश्न को देखो 50 को एक बार दुईटी संख्या रा समस्त रूपे प्रकाश करो जेपर कि संख्या द्वारा व्युत्क्रम रा समष्टि 1/12 है। तो कि बदार बुझो चेष्टा करो पिले सी दे छी जे 50 को एक पर दुई के संख्या रा समष्टि तथा दुईटा संख्या को मिसले 50 हो। अच्छा मने करो x प्लस y इक्वल टू 50 है बुझ पालो। तो इठा में कोन-कोन संख्या लेले मन करो गोटी संख्या ला x आ गोटी संख्या ला y। तो x प्लस y इक्वल के तैला 50 हैला। तो ये रहा हमर समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 मिलला एवं हम समीकरण 2 दरकार पड़ियो। अच्छा समीकरण 2 रे कोन अछि तार सेकंड स्टेटमेंट देखो कोन दिछि। अच्छा समस्त रूप प्रकाश करो जेपर के संख्या द्वारा व्युत्क्रम रो समष्टि 1/12 हो अर्थात व्युत्क्रम कुछ जो जेने x रो व्युत्क्रम कोन हो 1/x हो बुझला। तो समीकरण में कोन हो ना 1/x आ 1/y इक्वल केता बा समान कर व्युत्क्रम रो समष्टि 1/12 बुझा पड़छि। तो एइठा में समीकरण 2 डा को नपाली आकु के भागीबा कोन हो ये देखो एइसे त हम देखिबा लॉस हम केतेला xy हिरा लॉस हम तो x y को हम x डिवाइड कर रहला y पर x डिवाइड y प्लस सिन जे y डिवाइड पर रहला x तो x के को x हैला तो इक्वल के तरह एक भाई बा। एबे देखो y प्लस x जहां x प्लस y ता अर्थात x प्लस y मूल्य हम जानते 50 तो लिख दे 50 से y x y इक्वल के तरह एक भाई बा क्लियर। अच्छा एबे देखो जब के बदलन करबा x y को ये 50 से बाहर बोलबा तो x y इन रहेगा x y हैला इक्वल के तला 50 को 12 गुणे 12 50 60 600 बुझ पाला। तो x y मूल्य के तला 600 एपे हम कोन करबा ए x y रे मूल्य को नहीं ए x y आ x प्लस y आकु नहीं गाने कोन करे x माइनस y रे मूल्य काटबा। त देखो जदि x माइनस y रे मूल्य नेबी x माइनस y इक्वल कोन हबो ना स्क्वायर रूट ऑफ कर ना x प्लस y रो होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इते तमे पढिथलो अभेद रे तो कौन हम देख x प्लस वाई रहा पचास पचास होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई क्या अच्छी 600 तो 600 लिख दे तो यार स्क्वायर रूट बाहर वर्गमूल बाहर तो 50 को स्क्वायर क्या पांच पंचा पचीस दिटा शून माइनस 6×24 दिटा शून तो 25 हल जो 24 से पड़े रहा है 100 तो 100 वर्गमूल के 10 पैसा तरह एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 50 है देन x माइनस y इक्वल के तरह 10 ना तो हम लिख दो छी लिख दो अर्थात अर्थात x माइनस y इक्वल के तरह 10 ये ला समीकरण नंबर 2 बुझा पड़छ समस्त को। एबे हम देखिबा समीकरण 1 और समीकरण 2 जदि मिसेबा कोन देखै छी लिख दो छी समीकरण 1 समीकरण 1 प्लस 2 कोन होले देखो ना x प्लस y इक्वल 50 हैला देन x माइनस y इक्वल के तरह 10 तो देखो जेहेतु मिसा हो जी कोन हो ये प्लस y माइनस y कैंसिल ला x प्लस x 2x हैला इबे के तब 50 प्लस 10 हो केला 60। अच्छा जदी 2x इक्वल 60 हो जी देन x इक्वल के तब 60 बाय 2 तार ते केतना आसला 30 पर आसला तार ते x रो मूल्य आसला 30 आ y रो मूल्य आसला केते बस हमें बे हां x रो मूल्य जदी 30 हो जी तदे हमें y रो मूल्य बाहर कर दबाई छी कोन हो तका x रो मूल्य को x रो मूल्य को समीकरण 1 रे प्रकाश करले 1 रे प्रकाश करले कोन हो समीकरण 1 रे कोन छि ना x प्लस y इक्वल टू 50 देन x रो मूल्य 30 हेला छि तो y रो मूल्य कतो देन y इक्वल टू छ y इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल 20 हेला अर्थात y रो मूल्य आसला 20 आ x रो मूल्य आसला 30। हम से प्रश्न को पचाथिला ना 50 को एक पर दुई संख्या रा समस्त रूपे प्रकाश करो अर्थ गोटी संख्या ला 30 आ गोटी संख्या ला 20 तो देखो 20 को 30 मिसले 50 होछ ना तार्थ जणा पडला जे संख्या दिता होछ गोटे 30 आ गोटे होछ 20 तो समस्त को पूछा पडछ। तो वर्तमान हमें परवर्ती प्रश्न 20 बुझबा। तो वर्तमान हमें प्रश्न नंबर 20 बुझबा कोन छ प्रश्न नंबर 20 देखनियो गोटीए भग्न संख्या रा लब हर को जोग करी जोग फल एक तृतीयांश नेले ताहार हर ठारु 4 गुणा हुए ओ हर रे एक जोग करी भग्न संख्या टी लघिष्ठ आकार रे लेखिले ताहा 1/4 हुए तेबे भग्न संख्या टी केते। त
तो प्रथम देख पे भग्न संख्या कह मन कर भग्न संख्या एक्स बै गोटे भग्न संख्या तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख पे गोटे भग्न संख्यार लब घर को जोग कर लब घर कौन एक्स वाई एक्स प्लस वाई लब घर को जोग फल एक तृतीयांश एक तृतीयांश कौन पे तीन भाग भागे एक तृतीयांश तार एक बीन से गोटी कथा एक तृतीयांश ने हर ठार चार गुणा हुए तार तो फिर कौन इक्वल कौन हर टिकेट अच्छी वाई अच्छी तार तो कौन वाई माइनस आशा कर बुझी पार समस्ते देख कौन दे स्टेटमेंट गोटे भग्न संख्यार भग्न संख्या कौन एक्स बाय वाई लब घर को जोग कर एक्स प्लस वाई है जोग फल एक तृतीयांश बाई तीन है कौन नर ठू हर कैसे वाई अच्छी तो हर ठार चार गुणा हुए वाई माइनस चार बुझी पार तो या सल्व करेंगे कौन कहे बज्रमण कर एक्स प्लस वाई इक्वल टू तो कौन बजे तीन इंटू वाई माइनस चार तीन वाई माइनस चार बार तो जब कौन कर फेट दबा तो एक्स प्लस वाई माइनस तीन वाई प्लस बार इक्वल जीरो कौन हम देख ना एक्स प्लस वाई माइनस तीन तरह तो माइनस दुई वाई रहा प्लस बार इक्वल जीरो समीकरण नंबर एक बस आमको समीकरण नंबर एक मिलेगा एम समीकरण नंबर दुई कम बार कर देख सेकेंड स्टेटमेंट कौन अच्छी कौन लेची ओ हर एक जोग कर अच्छा भग्नाश कौन अच्छा एक्स वाई वाई अच्छी तो हर एक जोग कर हर प्लस वन हर एक जोग कर भग्न संख्या लघिष्ट आकार लिखिले लघिष्ट आकार छोट कर लिखी पांच बै पचीस लिखा लघिष्ट आकार कौन पांच एक पांच पांच पचीस एक बै पांच तार लघिष्ट रूप होगा तेनाली लघिष्ट आकार लिखा एक बै चार एक बै चार बुझी पार समस्ते तो ये देखो आम जब बज्रमण कर चार एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक देख पे चार एक्स माइनस वाई माइनस एक इक्वल टू जीरो तो ये समीकरण नंबर दुई तो देख ये समीकरण नंबर एक आईरा समीकरण नंबर दुई एवं आम आपको किभ समाधान करवा तो अपसरण पद्धति अवलम्बन कर समाधान कर पार देख तो देख ये समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दुई तो आम कहते अपसरण पद्धति समाधान करवा कौन बजे देख समीकरण एक देख ये एक्स अच्छे चार एक्स अच्छे तो जब एक्स को टारगेट करवा तो समीकरण एक चार गुण दवा तो ये कौन कर चार गुण दवा एक गुण दवा तो कौन हम देख ये समीकरण एक समीकरण एक गुणवा चार कौन हम चार गुण देख चार एक्स माइनस चार दुगुण आठ वाई प्लस बार सब अड़चाश इक्वल जीरो देख समीकरण दुई को समीकरण दुई इंटु एक अच्छा समीकरण दुई एक कौन हम जहाँ सीधा रही चार एक्स माइनस वाई माइनस एक इक्वल टू जीरो देख जब वियोग कर लिखी दे वियोग कले वियोग कले कौन देख ये माइनस है ये प्लस है ये मतलब प्लस है देख चार एक्स कैंसल रहा के माइनस आठ वाई प्लस वाई मिसा तो कैसे माइनस सात वाई रहा ये प्लस अड़चाश माइनस एक तो कैसे रहा प्लस अड़चाश रहा इक्वल 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 देखो समीकरण एक लिखी मूल्य को समीकरण एक प्रकाश कले ठीक अच्छे तो समीकरण एक कौन अच्छी देख एक्स माइनस दुई वाई प्लस बार इक्वल जीरो अच्छी तो ये आम कौन कर वाई मूल्य सात अच्छी तो वाई मूल्य सात पक एक्स माइनस के सात दुगुण चौदह प्लस बार इक्वल जीरो देन कौन हम ना एक्स माइनस देख चौदह अच्छी माइनस चौदह प्लस बार कर माइनस दुई इक्वल जीरो देन एक्स इक्वल के तो माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस बी तार एक्स मूल्य आसा दुई वाई मूल्य आसा सात तेज प्रश्न कौन थी भग्न संख्या टी के अच्छा आम भग्न संख्या कौन लेते एक्स बाई वाई थे तो देखा पर भग्न संख्या टी कौन हम एक्स बाई वाई इक्वल कौन हम एक्स आस दुई दुई बाई सात तो आशा कर समस्त बुझी थी जब आम बुझे पुनर्व देख भिडियो बुझा पड़ो।
तो आज वीडियो रे आम शेष करवा तो परवर्त वीडियो रे आम त्रिकोणमिति पढ़ा तो वीडियो के शेष कर चैनल को सब्सक्राइब करिबो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिबो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।